Good morning everyone. It is the video for your chapter 1 of biology, that is crop production. In the previous video, we have read some of the methods of crop production. That was how we can select a seed or how we can sow the seed, means the selection of the seed and the sowing process. So today, we will be learning about manuring, field fallow, crop rotation, mixed cropping and some of the topics. So, the first topic that we will be reading will be manuring. Ab manuring hota kya hai? Okay, manuring. To plant require nutrition for growth, ye to pata hai. Sare cheez, all the living organism, sare ko nutrient chahiye. Theek hai, to plant ko bhi nutrient chahiye. Kis ki cheez ke liye, grow karne ke liye. Theek hai, for growth. Then they get these nutrients from the soil. तो अब ये जो nutrient है वो plant को कहाँ से मिलता है? Soil से मिलता है, ठीक है? Therefore, by the time crop is harvested, it is taken away some of the nutrient present in the soil. अब मान लीजिए एक field में हम crop जब grow करवा दिए, यहाँ पर crop grow हो गया, तो अब उस time जब crop को harvest कर दिए, crop को cut कर दिए, तो field का जितना भी nutrient था, ठीक है, वो तो सारा ख़त्म हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो वो डिक्रीज कर गया इसका सारा न्यूट्रिएंट, क्योंकि पहले जो क्रॉप था वो सारा न्यूट्रिएंट ले लिया होगा, अब वो ख़त्म हो गया, तो अब ये कहाँ से आएगा? तो अब ये कहाँ से आएगा? और एक और चीज़, अगर मान लीजिए हम इसमें बार बार अगर क्रॉप ये हार्वेस्ट किए, फिर से क्रॉप प्रोडक्शन किए, फिर हार्वेस्ट किए, फिर सो किए, फिर, तो अगर तीन चार प्रोसेस में अगर ऐसे ही करते जाएंगे तो वो जो सॉइल होगा ना, ये जो सॉइल बचेगा, अगर मान लीजिए तीन या चार सीज़न में क्रॉप ग्रो किए, फर्स्ट सीज़न, फिर सेकंड सीज़न, फिर थर्ड सीज़न, फिर फोर्थ सीज़न, तो क्या होगा, धीरे धीरे इस सॉइल का जितना भी न्यूट्रिएंट है ना वो सारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, इट विल वैनिश. अब जब इसका सॉइल का सारा न्यूट्रिएंट जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो ये एक इनफर्टाइल लैंड बन जाएगा, फर्टिलिटी ख़त्म हो गया. अब क्या होगा? तो अब यहाँ पर कोई भी क्रॉप अगर जब लगाएंगे तो वो धीरे धीरे ढाई करना स्टार्ट होगा, वो ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है. तो देयरफॉर न्यूट्रिएंट नीड्स टू बी रिप्लेनिश फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसी चलते टाइम टू टाइम न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड होना ज़रूरी है. अगर वो नहीं प्रोवाइड होगा तो ये जो फील्ड है ना, वो जो सॉइल है जहाँ पर क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है, वो धीरे धीरे इनफर्टाइल हो जाएगा. तो अब न्यूट्रिएंट को ये रिप्लेनिश करने के लिए कुछ नेचुरल मेथड्स है, ठीक है, या फिर हम लोग खुद से एक्सटर्नली करते हैं. एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं? बाई एडिंग मैन्योर, मैन्योर्स ऐड कर लेंगे, फर्टिलाइजर्स ऐड कर देंगे. तो इससे क्या होता है, सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है वो गेंद रहता है, वो फिर से वापस आ जाता है. तो नेचुरल मेथड क्या है, हम लोग पहले ये पढ़ते हैं, फिर मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे. तो नेचुरल मेथड क्या है? तो नेचुरल मेथड्स में सबसे पहला है फील्ड फैलो. फील्ड फैलो, अब इसमें होता क्या है, वन वे ऑफ अलाइंग लैंड टू नेचुरली रिगेन न्यूट्रिएंट इज टू लीव फ्री. फैलो का मतलब क्या हो गया? फ्री, ठीक है, लैंड को. अब फील्ड फैलो में होता क्या है, लैंड को एक या मोर देन वन सीजन के लिए इसको छोड़ देते हैं, कोई प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं करेंगे. लाइक मान लीजिए अभी अगर क्रॉप राइस ग्रो करवाए, उसके बाद वहाँ छोड़ देंगे एक या दो सीज़न के लिए, छोड़ दिए, अब उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, ग्रासेस ग्रो करेगा, डाई करेगा, प्लांट ग्रो करेगा, एनिमल ग्रो, एनिमल वहाँ पर आएंगे, एक्सक्रीट करेंगे, ठीक है, फिर एनिमल डाई करेंगे, तो सारा चीज़ यहाँ पर डिकम्पोज होगा. डिकम्पोज कौन कौन करेगा? डेड प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिक मैटर, जो एनिमल आए जो एक्सक्रीट किए, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर, ये सब जो चीज़ है ये खुद, अब प्लांट तो वहाँ पर ग्रो करेगा ही. अब ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर लैंड है, अब पूरा न्यूट्रिएंट तो नहीं ना, ये राइस रिप्लेनिश करके पूरा ख़त्म कर दिया, फिनिश कर दिया, तो इस चलते वहाँ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, राइस, ये ग्रास ग्रो करेगा,
या फिर मान लीजिए जो राइस का था हार्वेस्ट करने टाइम हम पूरा स्टेम रूट से नहीं काटे, तो वहाँ पर रूट जो बचा हुआ है वो धीरे धीरे डाई कर जाएगा। तो डेड प्लांट्स, एनिमल कुछ आया वो डाई कर गया, वो एक्सक्रीट किया, तो ये सब जो है वो सॉइल को क्या पहुँचाएगा, सारे सॉइल को न्यूट्रिएंट पहुँचाएगा, ठीक है, जिससे सॉइल का फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। ये था फील्ड फैलो, ये भी एक, ये एक नेचुरल मेथड है। इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ, या हाँ द प्रोसेस ऑफ अलाउइंग लैंड टू नेचुरली रीगेन द न्यूट्रिएंट्स इज टू लीव इट फ्री फॉर वन और मोर सीजन। जो अभी बताया वही है, मीन्स एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड, ठीक है, द मेथड भी लिख सकते हैं, प्रोसेस ना करके मेथड भी यहाँ पर लिख सकते हैं, द मेथड ऑफ अलाउइंग लैंड टू नेचुरली रीगेन इट द न्यूट्रिएंट। नेचुरली इसमें रीगेन होता है न्यूट्रिएंट, कैसे, तो उसको छोड़ दीजिए एक या मोर देन वन सीजन के लिए, ऑटोमेटिक नेचुरली रीगेन हो जाएगा। तो इसका जो भी प्लांट डाई करेगा, जो भी एनिमल डाई करेगा, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा वो सारा धीरे धीरे क्या होगा, डिकम्पोज करेगा। डिकम्पोज होने के बाद ऑटोमेटिक उसमें न्यूट्रिएंट जो है वो रिप्लेनिश हो जाएगा और रिटर्न हो जाएगा सॉइल को। फिर सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस है क्रॉप प्रोडक्शन रोटेशन, क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन में होता क्या है, नाउ ईच क्रॉप यूजेस मोर ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स ऑफ लेस देन अदर। अब जैसा है मींस क्रॉप रोटेशन में होगा क्या, like, आप कहीं क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्रॉप जब ग्रो कर रहा है तो बहुत सारा ऐसा क्रॉप होता है जो ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेगा, ठीक है, ज़्यादा न्यूट्रिएंट लेगा, कोई होगा जो कम न्यूट्रिएंट लेगा, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उस क्रॉप पर कि वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट ले रहा है या कम ले रहा है। तो फार्मर्स देयरफॉर चेंज देयर क्रॉप इन ईच सीजन। तो अब फार्मर यहाँ पर थोड़ा ब्रेन अप्लाई करता है, वो क्या करेगा, एक सीजन में, फर्स्ट सीजन में कोई और क्रॉप ग्रो करवाएगा, ठीक है, सेकेंड सीजन जब आएगा, जैसे ही इसका हार्वेस्टिंग हो गया, मान लीजिए फर्स्ट क्रॉप का हार्वेस्टिंग हो गया, सेकेंड सीजन में सेकेंड क्रॉप ग्रो करवा देगा, दूसरा क्रॉप ग्रो करवाएगा जो लेस न्यूट्रिएंट लेता हो सॉइल से। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्रॉप का चेंजेस हो रहा है, ठीक है, मीन्स फार्मर चेंज देयर क्रॉप इन ईच सीजन सो दैट द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब इसके कारण हो क्या रहा है, जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है, ठीक है, फर्टिलिटी है, वो मेंटेन रह रहा है। अब मेंटेन होने के कारण वो सॉइल एक फर्टाइल सॉइल हो जा रहा है। तो इसी को बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब नाम से ही समझिए, क्रॉप को रोटेट करना, मतलब एक सीजन में कोई कुछ क्रॉप यहाँ पर ग्रो करवाए, दूसरे सीजन में कोई और क्रॉप ग्रो करवाए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फर्स्ट सीजन में हम वीट या राइस ग्रो करवा दिए, क्योंकि ये लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लेता है, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट लेता है। तो अब उस सॉइल से न्यूट्रिएंट का अमाउंट तो खत्म कम हो गया थोड़ा, तो दूसरे टाइम पे हम क्या करेंगे, जब सेकेंड सीजन आएगा, सेकेंड सीजन में जब हम ग्रो सोइंग करने जाएंगे तो हम कोई लेग्यूमिनस प्लांट लगा देंगे, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट लगा देंगे। कौन कौन लेग्यूमिनस प्लांट हो जाएगा, पी हो जाएगा, ग्राउंडनट हो जाएगा, ठीक है, तो ये सब प्लांट लगा देंगे। तो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे 7th स्टैंडर्ड में, लेग्यूमिनस प्लांट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नाम क्या होता है, राइजोबियम। अब ये राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम नोडल्स ऑफ द रूट पर रहता है, ये जो लेग्यूमिनस प्लांट है इसके रूट पर रहता है, नोडल्स ऑफ रूट, तो रूट्स पर ये रहता है लेग्यूमिनस प्लांट के। अब जिसके कारण ये क्या करता है राइजोबियम, ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को
एटमॉस्फेरिक जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको ये वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में ये कन्वर्ट कर देता है, जिसके चलते क्या होता है जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है वो फिर से रिगेन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट सीजन में कोई और क्रॉप लगाना, फॉर एग्जांपल व्हीट राइस, सेकंड सीजन में कोई और क्रॉप लगाना जो कम न्यूट्रिएंट लेता, जो उल्टा खुद न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, लाइक लेगुमिनस प्लांट, पी ग्राउंड नट, उसमें क्या होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो नॉडल्स ऑफ रूट में प्रेजेंट होता है, जो करता क्या है, तो इसका काम है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, और कन्वर्ट कर सॉइल का फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। फिर नेक्स्ट सीजन में हम फिर से वीट राइस लगा देंगे, फिर उसके बाद अगला सीजन फिर आएगा उसमें हम फिर लेगुमिनस प्लांट लगा देंगे, तो इसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। ओके, सो थर्ड टॉपिक देख लेते हैं, थर्ड क्या, एक और नेचुरल मेथड क्या हो जाएगा, दैट इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग नाम से ही देखिए लग रहा है मिक्स्ड क्रॉपिंग, मतलब इसमें होता क्या है, समटाइम्स दो या मोर देन टू क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फील्ड में एक बार जब लगाते हैं, जब क्रॉप को शो कर रहे हैं, ठीक है, उसको जब प्लांट कर रहे हैं, तो उसमें एक ही फील्ड में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप वहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, तो इस मेथड में मिक्स क्रॉपिंग में करेंगे क्या, सपोज़ एक तरफ हम पहले यहाँ पर लगा लिए राइस का प्लांट लगाए, फिर यहाँ पर कोई लेगुमिनस प्लांट लगा, लेगुमिनस प्लांट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एक वाटर सोल्यूबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर राइस लगाए, उसके बाद यहाँ पर पी का प्लांट लगा दिए, फिर यहाँ राइस लगाए, फिर यहाँ पर पी लगा दिए, फिर राइस, फिर पी, फिर राइस, फिर पी, तो राइस जो है वो क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट को सॉइल से ले ले रहा है, लेकिन ये पी प्लांट क्या कर रहा है, सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दे रहा है। ठीक है, ये प्रोवाइड कर दे रहा है और ये गेन कर ले रहा है। तो अब इसके चलते एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन सॉइल में मेंटेन है कि सॉइल का जो न्यूट्रिएंट है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ये सॉइल से न्यूट्रिएंट ले रहा है, ये सॉइल को न्यूट्रिएंट पहुंचा रहा है, फिर ये सॉइल से न्यूट्रिएंट ले रहा है राइस, फिर ये वाला पहुंचा रहा है, तो जिसके कारण एक मेंटेन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है पर्टिकुलर यू कैन से न्यूट्रिएंट का वो मेंटेन है। इसको बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मीन्स व्हेन टू और मोर देन टू क्रॉप्स आर ग्रोन टुगेदर इन द सेम फील्ड। ठीक है, दैट्स कॉल्ड दिस, इट इज नोन एज मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो हाउएवर दिज नेचुरल मेथड्स आर नॉट अलोन इनफ टू मेंटेन द फर्टिलिटी। अब सिर्फ ये जो नेचुरल मेथड हम लोग पढ़े, लाइक फील्ड फॉलो पढ़े, क्रॉप रोटेशन पढ़े, मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़े, तो ये अकेले जो है ना ये सॉइल का न्यूट्रिएंट को रिगेन करने में हेल्प नहीं कर सकता है। तो इसके लिए कुछ हम लोग नेचुरली मेथड ले सॉरी कुछ एक्सटर्नल मेथड ले सकते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स एक्सटर्नली कौन डालेगा, तो फार्मर्स डालते हैं। तो फार्मर्स फील्ड में क्या ऐड करते हैं, मैन्योर्स ऐड करेंगे या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स फील्ड में ऐड करते रहना चाहिए। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।